लाओ। नहीं है, छोटा सा भी नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है। ए, ए! एक हाथ से पकड़ना दोस्तों बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी शायद पकड़ लूंगा। काट ना दे, काट ना दे दोस्तों, पकड़ लिया। तो हम चले हैं केकड़ा मारने, चलते हैं, मिलता है कि नहीं। ये कह रहे हैं कि हम लोग को आज केकड़ा हम लोग देखने जा रहे हैं, केकड़ा ढूंढने जरूर मिलेगा हम लोग को। काटकोम सेंद्रा लिंग चला करना, काटकोम पनते जरूर लिंग जाम को तो दिलामुन चला लेंगे। ओ यही हमारा आदिवासियों का घर है, टूटा फूटा है, लेकिन सोहराय पर्व हम लोग का अभी भी कोई लोग मनाता है, कोई जनवरी में मनाता है, उस समय ये चकाचक हो जाता है। महिलाएं बहुत ध्यान देती है घर साफ करने में, इधर भी ये भी चकाचक हो जाएगा देखने में। लिपा पोताई करके मिट्टी को लगाएंगे और फिर पोताई करेंगे प्राकृतिक मिट्टी से। और दोस्तों यहाँ पर बकरी को सुबह सुबह बांधा जाता है ये बाड़ा में, घेरा में। और ये चले हैं कोका भैया आगे आगे, केकड़ा मिलेगा ये बोल के चलिए जाते हैं। दोस्तों लोग कहते हैं कि उबड़ खाबड़ जमीन में तुम क्या करोगे, ये जैसे यहाँ पर पत्थर है, पूरा पत्थर है दोस्तों, लेकिन फिर भी बंजर भूमि में भी सोना उगा के दिखा दिया है आदिवासियों ने, हमारे आदिवासियों ने, तो ये मानना पड़ेगा। और नहीं तो लोग हम कहते हैं कि हमें ज़मीन दो, कारखाना वाले कहते हैं कि हमें दो ज़मीन दो तुम क्या करोगे, लेकिन इन आदिवासियों से सीखना होगा सभी लोगों को कि हम अनाज पैदा कर सकते हैं इन उबड़ खाबड़ भूमि में भी, ज़रूर हम अनाज पैदा कर सकते हैं। और ज़िंदा रहने के लिए तो हमें अनाज ही चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए कोई हमें बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, कोई इमारतें नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी इमारतें, ज़िंदा रहने के लिए बस हमें अनाज चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन लोगों के सुविधा के लिए यहाँ बनाया गया है तालाब, बनाया गया है दामोदर घाटी निगम की ओर से। चूँकि हम डीबीसी एरिया में आते हैं, हम बराकर नदी के किनारे हैं और बराकर नदी में ही मैथन डैम बना है, लेकिन दोस्तों जो बनाया गया है छोटा तालाब उसमें पानी ही नहीं है, देखिए पानी ही नहीं है। पानी संचय इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं है चूँकि बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने बंजर भूमि में भी सोना उगा दिया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और मैं सरकार से भी ये विनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजाने वाला उपाय किया जाए, प्रकृति को डिस्ट्रॉय या नष्ट करने वाला विकास के रास्ते पर न जाया जाए तो अच्छा होगा। कोका भैया इधर देख रहे हैं, ये देखिए नदी है यहाँ, लेकिन पाते हैं कि नहीं पता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यदि मिलता है तो।
यहाँ देखते हैं, यहाँ भी नहीं मिला, कहाँ मिलेगा गुरु। तो दोस्तों ये कोका भैया चले बहुत फुर्ती से। तो दोस्तों बहुत स्पीड से ये कोका भैया चले हैं, शायद यहाँ हो भी सकता है। यहाँ पर चलिए हम उतरते हैं, देखते हैं कोका भैया को अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं दोस्तों, दोस्तों एक भी नहीं मिल रहा है। गूंगे भैया, जिसका नाम ही नाम है कोका भैया, कोका का अर्थ गूंगा होता है। देखिए इधर से आ रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं कैसे करके निकालना है। अब निकाल पाएंगे कि नहीं, आइडिया लगा रहे हैं अब निकाल पाएंगे कि नहीं। देखते हैं, देखिए उधर कितना बड़ा नदी है, छोटी सी नदी है, खूब चौड़ा नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। और यहाँ ये लग गए हैं, देखते हैं इसका बुद्धि काम आता है कि नहीं। कोई काम नहीं किया, पूरिया मैंने अखवा से मिलेगा। मुश्किल है, और चलिए आगे तरफ जाते हैं, यदि मिलता है तो। फिर गुंगा भैया दूसरा जगह आया है, यहाँ भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल की बात है, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कहाँ से निकलेगा, केकड़ा मिल नहीं रहा है, हम लोग को ढूंढना था लेकिन कहाँ, एक भी केकड़ा का नामो निशान नहीं। असल में इस साल बारिश नहीं हुई, इसी के कारण केकड़ा नहीं मिल रहे हैं, केकड़ों की संख्या कम हो गई है बारिश न होने के चलते, नहीं तो अभी ये कितना काम पानी है। वो तो चले आगे,
हम यहाँ देखते हैं। नहीं है, छोटा सा भी नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल है। ए, ए! एक हाथ से पकड़ना दोस्तों बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी शायद पकड़ लूंगा। काट ना दे, काट ना दे दोस्तों, पकड़ लिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने पकड़ लिया। दोस्तों इधर में है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इधर चेंग मछली है, मतलब स्नेक हेडेड मछली है, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जाना चाह रहे हैं पकड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कितना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, इस पानी में चल रहे हैं। तो दोस्तों गांव का माहौल बहुत ही सुंदर है, नदी नाले झरने और शुद्ध हवा, और इन सब के बीच ही हम रहना पसंद करते हैं हम आदिवासी। लेकिन दिनों दिन उद्योगपतियों की नज़र हमारे ज़मीन पर, हमारे खेत खलिहानों पर पड़ रहा है और हमें हटाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर अनाज का उत्पादन न किया जाए तो सभी लोग मर जाएंगे। अनाज ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उस समय आप लोग को दिखाया था, तो यही इस तरह से रखा जाता है इन लोग को। देखिए या फिर अभी दोपहर का समय है, दोपहर का समय इस तरह से खुला में रखा जाता है ताकि लोग हवा में रहे, अच्छा लगे इन लोग को भी। घर में घुसा देंगे तो पूरा गर्मी लगेगा, ये हवादार में रखने के लिए बनाए हैं। देखिए सब देखिए सब बांधा गया है। तो दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद भी केकड़ा नहीं मिला, बहुत ही दुख की बात है। केकड़ा हम लोग ढूंढने गए थे लेकिन कहीं भी नहीं मिला। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। सबको जोहार।